हेलो हेलो चले क्लास सर, फ्यूल सेल के बारे में क्या कह रहे हो? बच्चों बस भाई, गर्ल्स पीछे, बॉयज फोन छोड़ दो भाई। ये तुम लोगों का सबसे बड़ा दुश्मन है और तुम लोगों के सबसे ज्यादा करीब है। अभी तो नहीं पढ़ रहा होगा ना इसमें तो। चलो क्लास भाई सुनिए, मेरी बात ध्यान सुनिए भाई। देखिए ऐसा है कि फिजिकल केमिस्ट्री में हमने तीन चैप्टर्स करे, केमिकल काइनेटिक्स। शोर आप लोगों को नहीं करना है, मैं बार बार आप लोगों को कह रहा हूँ। पंखे तेज हैं, आप लोग थोड़ा बहुत भी एक दो दो बच्चे की बात करेंगे ना तो डिस्टर्बेंस इतना हाई लगेगा क्लास के अंदर, नहीं हो पाएगी पढ़ाई। पंखों की अपनी एक बहुत ज्यादा नॉइस करते हैं ये, ठीक है? चार पंखे रूम में बहुत ज्यादा हो जाते हैं और नॉइस कर रहे होते हैं। मैं बोलूंगा अगर आप थोड़ा बहुत भी शोर करेंगे मजा नहीं आएगा पढ़ने में। सो देखिए फिजिकल केमिस्ट्री के अंदर तीन चैप्टर्स हमारे हुए हैं, केमिकल काइनेटिक्स। आगे वाली शुरू करने से पहले मैं कुछ बातें बता रहा हूँ आपको, तैयारी कैसे करनी है। केमिकल काइनेटिक्स, सॉल्यूशंस एंड इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। देखो मेजर तौर पे चैप्टर कंटेंट पूरे हो चुके हैं, बट हमने बैक एक्सरसाइजेस अभी नहीं करी है, जो एक तरीका होता है कि बाद में रिवीजन के टाइम पे उनको उठाया जाएगा, सारी एक्सरसाइज को कराई जाएगा। दूसरा एक आध छोटा मोटा कोई टॉपिक है जो चैप्टर से रहता होगा, कोई छोटा मोटा टॉपिक। केमिकल काइनेटिक्स से आई थिंक कुछ भी नहीं बचा हुआ, सॉल्यूशन से मुझे थोड़ा सा याद आ रहा है एक ग्राफ बचा हुआ है, आइसोटॉप बचा हुआ है, ठीक है? बहुत छोटे मोटे टॉपिक है, मतलब आप इसमें चैप्टर 98% खत्म है, एक आध परसेंट कुछ बच जाता है छोटा मोटा, उस सब कराया जाता है एंडिंग में, पेपर से पहले कुछ नहीं छूटता। और सेम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में थोड़ा बहुत फ्यूल सेल का शायद बचा हुआ, बाकी सारा शायद उसमें भी हो गया, यही है। बाकी सब कराया था आप लोगों को, बैटरीज वगैरह सब कंप्लीट हो चुका है। सो आप लोगों को करना क्या है कि पहले आप लोग ना अपना कंटेंट स्ट्रॉन्ग करें तीनों चैप्टर्स का, बिकॉज फर्स्ट टर्म के सिलेबस में आप लोगों के तीनों चैप्टर्स आएंगे। क्लियर? पहली चीज क्लियर है यहाँ तक? हम कोशिश ये रखेंगे कि हमारा, क्योंकि सिलेबस ज्यादा बड़ा है नहीं, कुल मिला के 10 ही चैप्टर्स आने हैं और फर्स्ट टर्म के पेपर से पहले पहले मुझे जो आइडिया है, हम 6 से 7 चैप्टर्स कर चुके होंगे, 7 चैप्टर तक शायद पहुंच जाए हम। अब 7 चैप्टर तक अगर फर्स्ट टर्म में ही पहुंच जाएंगे हम, तो हम हो सकता है कि हम थोड़ा सा इन्हीं चैप्टर्स के न्यूमेरिकल्स भी साथ के साथ ही प्रिपेयर कर लें, जो हमें लास्ट में करने हैं वो पहले कर लें पेपरों से पहले। अब किसी को अगर पता है तो मुझे ये बताओ कि फर्स्ट टर्म में आप लोगों को कितना सिलेबस आ रहा है? 7 चैप्टर्स आ रहे हैं, शायद 7 ही आएंगे, पिछली बार भी 7 ही आ रहे थे। तो मतलब कुल मिला के बात ये हुई, अरे क्लास कुल मिला के बात ये बन रही है कि आप लोगों का 3 चैप्टर फिजिकल का है, लगभग 4 चैप्टर ऑर्गेनिक के, मान के चले प्रॉपर ऑर्गेनिक जो है, हालांकि बायोमोलिक्यूल को भी ऑर्गेनिक में कंसिडर कर लेते हैं, 4 चैप्टर ऑर्गेनिक के हैं और 3 चैप्टर अदर चैप्टर्स हैं जिनमें मैं ऑर्गेनिक जैसा इतना कुछ मानता नहीं हूँ। ऑर्गेनिक के 2 चैप्टर आएंगे आपके सिलेबस के अंदर और 2 आएंगे इनऑर्गेनिक के और 3 आएंगे फिजिकल केमिस्ट्री के, टोटल कितने हो गए? 7, है ना? मैं दोबारा बता रहा हूँ, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ कि हम आज से क्या शुरू करते हैं, जो बेस्ट रहेगा आपकी चॉइस है, आप जैसे बोलेंगे मैं वो शुरू करा दूंगा। बच्चों क्लास, पहला दूसरा तीसरा ये है फिजिकल केमिस्ट्री, अब ये दोनों बीच में इनऑर्गेनिक है और हालांकि इसको पूरे को ऑर्गेनिक ही बोलते हैं, ये पूरी ऑर्गेनिक ही होती है सेकंड वाली। ए क्लास, अब हम अभी तक क्या कर चुके हैं ना, अभी तक 1 2 3 फिजिकल केमिस्ट्री हमने खत्म कर लिया भाई, ये फिजिकल केमिस्ट्री पार्ट तो हो गया खत्म, मतलब न्यूमेरिकल पार्ट हो गया फिनिश। अब न्यूमेरिकल जैसा कुछ नहीं है पूरे सिलेबस में, अब न्यूमेरिकल नहीं, अब थ्योरी पार्ट है। फिर बचता है ये ऑर्गेनिक वाला सिलेबस में आप लोगों के यहां तक आएगा, ये सिलेबस आएगा आपका फर्स्ट टर्म का। अब 2 ऑप्शन है, या तो इनऑर्गेनिक का कोई चैप्टर उठाया जाए, ठीक है, या फिर ऑर्गेनिक स्टार्ट करें, ऑर्गेनिक करनी है। सो ऑर्गेनिक से शुरू करते हैं चैप्टर नंबर 6 से, सुन लो, फिर चैप्टर 6 शुरू करते हैं।
आप देखो भाई, और ये क्लास डिसाइडिंग सेक्टर है केमिस्ट्री में कि मार्क्स कितने अच्छे आएंगे ना, ये डिसाइड करती है ऑर्गेनिक। फिजिकल केमिस्ट्री बच्चे ना कैसे करके रट रटा के फॉर्मूले वगैरह याद करके कर ही आते हैं, क्योंकि सीबीएसई जनरली क्वेश्चन मुश्किल देती नहीं है, उनके क्वेश्चंस का लेवल होता है आसान, बच्चे फॉर्मूला अगर जानते हैं क्वेश्चन बिट करते हैं आंसर हो जाता है। बट आपके मार्क्स कहाँ पर गेन होने वाले, कहाँ पर फाइट ज्यादा होने वाली है, वो है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। चार चैप्टर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ आसान है ऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक यहाँ पर मुश्किल नहीं है। वो पांचवा चैप्टर आपको ऑर्गेनिक जैसा कम लगेगा, बायोलॉजी जैसा थोड़ा ज्यादा लगेगा, चैप्टर नाम बायो मॉलिक्यूल्स, ठीक है। सो प्रॉपर ऑर्गेनिक जो है ना वो इन चार चैप्टर्स के अंदर है, जो आपको छठा सातवां आठवां और नौवां दिखने वाला है। पहले चैप्टर का नाम है हैलोजेंस एंड हैलोजेंस। अब एक समस्या ये रहेगी ऑर्गेनिक को लेकर, जब भी हम स्टार्ट करते हैं कि बच्चों को ना, क्योंकि ऑर्गेनिक बच्चों हाथ से नहीं चल रही, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री शुरू हुई थी 10th क्लास के अंदर। 10th क्लास में पहला चैप्टर था कार्बोनेट कंपाउंड। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज एक्चुअली द मतलब ब्रांच दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ द कार्बन, स्टडी ऑफ द कार्बन, कार्बन रिलेटेड कंपाउंड को डिस्कस करता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पहला चैप्टर आपने कब पढ़ा, 10th क्लास के अंदर कार्बन कंपाउंड में। अगले दो चैप्टर आप लोगों ने पढ़े 11th क्लास के अंदर, जब आप लोग पढ़ते हैं सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एंड हाइड्रोकार्बन, और बहुत अच्छे खासे कॉन्सेप्ट आप लोगों ने 11th क्लास में सीखे होंगे, जिसमें मैं इंडक्टिव इफेक्ट, रेजोनेंस इफेक्ट, हाइपर कंजुगेशन, इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। फिर हाइड्रोकार्बन चैप्टर जब शुरू हुआ तो तुम लोगों ने रिएक्शन सीखी बहुत सारी, रिएक्शन ऑफ अल्केन, अल्कीन, अल्काइन, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन एंड सो ऑन, है ना। लेकिन क्या ये सब तुम्हें याद होंगी, तो याद तो होने के चांसेस बहुत कम है। लेकिन अगर आपने एक बार भी क्लास के अंदर ढंग से थोड़ा सा बस चीजों को देखा था, तो जब मैं हाइपर कंजुगेशन इस्तेमाल होने वाला होगा, मैं समझाऊंगा साइड में, मैं फिर दोबारा से रिकॉल कराऊंगा कि हाइपर कंजुगेशन क्या था, और रेजोनेंस आएगा रिकॉल कराऊंगा रेजोनेंस क्या था। मतलब अगर आपको ये लगता है कि आपको 11th का ऑर्गेनिक उतना बढ़िया नहीं आता, तो 12th के अंदर ज्यादा प्रॉब्लम नहीं करेगा। हाँ, आता है तो फायदा जरूर करेगा, ये बहुत क्लियर है। आता है तो एक प्लस पॉइंट है आपके साथ, ये मैंने बोला था 11th क्लास में, बहुत चिल्ला चिल्ला के बोलता था मैं ये चीज कि सिर्फ ऑर्गेनिक अच्छी कर लो अपनी, मेरे को बाकी से मतलब नहीं है, बाकी चीज इतनी इस्तेमाल होती ही नहीं है। बट आपने फिजिकल केमिस्ट्री पढ़ा, बताओ जरा कहाँ इस्तेमाल हुआ बहुत ज्यादा 11th का फिजिक्स, 11th का केमिस्ट्री नहीं हुआ, कोई लेने देना नहीं है, नया है सब कुछ। बट इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री भैया, आपको जो ऑर्गेनिक में पढ़ाने वाला हो सब कुछ इस्तेमाल होगा पिछली क्लास का। आता है एडवांटेज में रहोगे, नहीं आता है अभी भी पढ़ लोगे तो भी काम चल जाएगा। लेकिन फिर एक बात बोल रहा हूँ भाई, मैं 6 से शुरू होऊंगा और ये एक सीक्वेंस है 9वें चैप्टर तक। अगर आपने पहला चैप्टर अच्छा नहीं करा, अगले के चैप्टर के अच्छे होने की उम्मीद बहुत कम हो जाती है, ध्यान रखना, उससे अगले की और कम होगी, बिकॉज पिछले वाली चीजों का इस्तेमाल करके अगला बना हुआ है। तो मैं आपको बार बार एक बात कह रहा हूँ कि जब ऑर्गेनिक स्टार्ट होता है ना, तो थोड़ा सा सीरियस हो जाना है आप लोगों को, क्योंकि ये पार्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और अगर तुम जानते हो तो मैं एक साल बाद नीट भी देना है, बेसिकली जेई देना है ना, 50% ऑफ द सिलेबस इज कवर्ड फ्रॉम द ऑर्गेनिक पार्ट ऑफ केमिस्ट्री। मतलब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर 50% क्या आएगी, ऑर्गेनिक, बाकी का 50% क्या आएगा, फिजिकल केमिस्ट्री और इनऑर्गेनिक। ये डिवाइड है परसेंटेज वाइज, 50% सिलेबस क्या आएगा ऑर्गेनिक, 25% आएगी फिजिकल केमिस्ट्री, और 25% आएगी आप लोगों की इनऑर्गेनिक। ठीक है, समझ में आ रहे हैं? तो स्टार्ट करते हैं पहला चैप्टर हमारा हैलोजेंस एंड हैलोजेंस। दूसरी चीज एक लास्ट बार बताता हूं, फिर स्टार्ट कर लेते हैं। दूसरा ये है बच्चों कि आप लोगों को इसकी बुकलेट भी अलग से मिलेगी, अब सुन लीजिए, ये बुकलेट नंबर 2 है भाई, बुकलेट नंबर 1 आप लोगों का ऑलरेडी हो चुका है, है ना, बुकलेट 1 आपका हो गया है। अब मिलेगा बुकलेट 2, और बुकलेट 2 में चैप्टर्स कौन कौन से हैं आप लोगों को पता है, 6 है 7 है 8 है 9 है, नहीं 10वां 4वां 5वां 1 में है। ये बुकलेट्स ऐसे डिजाइन करेगी कि आप लोगों को, मैंने एक में बहुत ज्यादा कुछ ना हो, लेकिन ये काफी, ये थोड़ी मोटी बुकलेट है इनके मुकाबले, ठीक है ना। तो ये 4 चैप्टर्स की है, लास्ट वाले 3 चैप्टर्स की है, और पहले वाले भी 3 चैप्टर्स की, तो आपकी 3 अलग अलग बुकलेट्स तैयार हो जाएंगी फाइनल्स के लिए, अपने पढ़ने के लिए 3 कंटेंट हो गए ऐसे मान के चल लो, फिजिकल, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक, ठीक है। अब मैं ये नेक्स्ट क्लास में आपको बुकलेट्स यहाँ पर सेंटर पर रखवा दूंगा। आप लोगों को बुकलेट का प्रोसीजर बताया गया था कि प्रोसीजर क्या है, चॉइस आपकी, आपको बाहर से करानी बाहर से करा लो, मेरे को उसमें भी कोई इशू नहीं है, ठीक है। लेकिन मैंने आपको जो सेंटर से ले रहे थे उसका प्रोसीजर बताया था बच्चों, कि आप लोगों को थ्रू आउट द ईयर के ना 600 रुपए थे बुकलेट के भाई, और एक क्लास प्लीज, थ्रू आउट द ईयर के 600 रुपए थे, मतलब तीनों बुकलेट्स के मिला के 600 थे। लेकिन आप लोग जिन बच्चों ने बुकलेट्स दिए 300 रुपए पहले दे चुके हो, पता है ना, अब आपको कुछ नहीं करना, 300 फाइनल और देने हैं, ये बताया गया था आपको, दोनों बुकलेट्स के टाइम पे पेमेंट पूरी कर देनी है, तीसरे वाले बुकलेट के टाइम पे आपको कोई पेमेंट नहीं करनी, वो सीधा बुकलेट आपको उठानी सेंटर से, ठीक है। उन बच्चों के नाम लिखे होते हैं जिन बच्चों ने यहाँ पर पेमेंट करी है, ठीक है, समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूँ। हाँ, पहली बुकलेट नहीं ली,
भाई फिर मैं क्या बता सकता उसका, ये मैं कुछ नहीं बता सकता। जिसने पहले लिए भाई वो कलेक्शन यहाँ से ले लेना, जितनों ने पहले ली थी मेरे पास नाम है, मैं सिर्फ उतनी ही बुकलेट कॉपी करवाने वाला हूँ, मैं एक भी बुकलेट फालतू नहीं कराऊंगा भाई। हमारे पास बचती है फिर यहाँ पर, कुछ बच्चे हिसाब किताब लगाते रहते सर तो इसमें 5 रुपये बचा रहे हैं 10 रुपये बचा रहे हैं, भाई वो हिसाब किताब लगा लो करा लो आपकी इच्छा है, मुझे इससे कोई मतलब नहीं है। मेरे पास यहाँ पर बस ये होना चाहिए जब मैं क्लास में पढ़ाऊँ आपके पास हर एक के पास बुकलेट होनी चाहिए, नहीं तो अगर आप मेरे बताए प्रोसीजर फॉलो नहीं करेंगे तो भैया उसमें प्रॉब्लम ये, फिर नंबर आपके जाएंगे। जो टीचर बता रहा है वो एटलीस्ट उतना करना है। और ये ऐसा इसमें हम कुछ बजाते नहीं है, 600 रुपये अगर ले रहे हैं ना उसमें लग रहा है बुकलेट में कंटेंट इतना, 1 रुपये का एक पेज आ रहा है आजकल, आप फोटोकॉपी करा के देखिए पता लग जाएगा, ठीक है ना। सो नेक्स्ट क्लास में बुकलेट यहाँ पर रखवा दूंगा, जितनी पहले बच्चों ने ली थी उतने के नाम है, मैं उतनी ही करवा के रखवाऊंगा। उसके बाद किसी को लगता है करवानी है मुझे बता जाना कि मैंने पहले ली थी दूसरी करवा दो तो मैं करवा दूँ, ठीक है। चलो समझ में आ गई बात, लेकिन नेक्स्ट क्लास बुकलेट जरूर उठानी है। थ्योरेटिकल चैप्टर है, हर पॉइंट पे जरूरत पड़ेगी बुकलेट की। फिजिकल केमिस्ट्री की तरह नहीं है, फिजिकल केमिस्ट्री इज अबाउट न्यूमेरिकल्स, कॉन्सेप्ट सिखाया न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करा काम बन गया, उसमें क्वेश्चन डाले हुए आंसर लिखने, क्वेश्चन डाले हुए आंसर लिखने। बट ये आपको पता है ये अलग ब्रांच है, यहाँ चाहिए थ्योरी, वहाँ थ्योरी लिखा हुआ है प्रॉपर, ठीक है। सो ये जरूर यहाँ से आपको ले लेना है, ठीक है। अब बोर्ड पे सुनो भाई, हेलो अल्केन्स और हेलो रिंग्स गाइज, क्या चीज़ है समझने की कोशिश करते हैं भाई। देखिए ये ना क्लास ऑफ कंपाउंड्स है, अब ये क्लास ऑफ कंपाउंड्स क्या होते हैं वो सुनिए। देखिए मैं एक बहुत सिंपल सी आपको बात देता हूँ, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपने किसे कहा, वो ब्रांच केमिस्ट्री की जिसमें हम डील करेंगे कार्बन के कंपाउंड्स को। अब कार्बन के कंपाउंड्स तो भैया एक या दो तो है नहीं, बहुत सारे कंपाउंड्स हैं। अब इन बहुत सारे कंपाउंड्स को एकदम से स्टडी कर पाना बड़ा मुश्किल था, तो हमने इनकी क्या बनाई, क्लासेस बनाई। क्या बनाई बोलो, जैसे कि आपके स्कूल में क्लासेस बनी हुई है, आपके स्कूल में 2000 बच्चे हैं तो क्या 2000 बच्चों को एक साथ पढ़ाएगा, हमने क्लासेस बनाई, एक जैसे बच्चों को एक साथ रखा, एक जैसे बच्चों को एक साथ, एक जैसे बच्चों को, और उनको पढ़ाना शुरू करा। इसे ही बोलते हैं क्लास ऑफ कंपाउंड्स, क्या बोलते हैं बोलो। तो जैसे कि हमने एक जैसे बिहेवियर वाले कंपाउंड्स को एक साथ पुटअप किया, एक जैसे बिहेवियर वाले कंपाउंड्स को एक साथ पुटअप किया, ऐसे कर करके हमने बहुत सारी क्लासेस बनाई। जैसे कि आपकी पहली क्लास ऑफ कंपाउंड आप लोगों ने 11th क्लास में पढ़ी, जिसका नाम था हाइड्रोकार्बन्स, जिसका नाम था, ये वो क्लास ऑफ कंपाउंड्स थी जिसके अंदर जितने भी कंपाउंड थे ना वो सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन से मिलके ही बने हुए। याद आ रहा है आप लोगों को, नहीं आ रहा? सिर्फ कार्बन हाइड्रोजन से मिलके बने हुए। ऐसी एक क्लास ऑफ कंपाउंड होती है अल्कोहल्स, अनुराग बातें छोड़ दो मैं बता रहा हूं वो सुनो बस, चुपचाप सुनोगे ना, देखो मैं बार बार आपको बोल रहा हूँ ऑर्गेनिक सीरियस हो जाना भाई, यहाँ सीरियस नहीं हुए या तो यहाँ से आपको केमिस्ट्री मुश्किल लगना स्टार्ट हो जाएगा या यहाँ से लगेगा सब खत्म ही हो गया, मतलब सारा कुछ बढ़िया हो गया, आप तो सिलेबस में कुछ बचा ही नहीं। क्योंकि अरे क्लास 3 चैप्टर आप लोगों की फिजिकल वाले बच्चों आप लोग जानते हो बहुत मुश्किल नहीं है, अगर ढंग से पढ़ लिए जाए तो बहुत डिफिकल्ट नहीं है, लेकिन ये वाला पार्ट जो है ना सब कुछ इसके ऊपर है, ये अच्छा हुआ तो सिलेबस बढ़िया जाएगा और ये अच्छा नहीं हुआ सिलेबस खराब हो जाएगा भाई। इनऑर्गेनिक सबका बढ़िया होता है, इनऑर्गेनिक इज नॉट ए प्रॉब्लम, क्योंकि रटने वाली चीज है, नालायक बच्चे तो रट लेते हैं वैसे भी, है ना, उनका ऐसा इशू आता नहीं, और अच्छे बच्चे को जो रटने वाली बात हो चाहे कैसी भी हो दोनों टाइम दोनों चीजें कर लेते हैं, ठीक है। तो इनऑर्गेनिक सबका ही बढ़िया आता है, ऑर्गेनिक अंडरस्टैंडिंग बेस्ड। आ जाओ, मैंने बोला हाइड्रोकार्बन एक क्लास ऑफ कंपाउंड है, अब अल्कोहल एक तरह एक क्लास ऑफ कंपाउंड है, मतलब जितने भी कार्बन कंपाउंड ऐसे जिनके पीछे OH लगा हुआ है, ना जितने भी कंपाउंड ऐसे जिनके पीछे क्या लगा हुआ है OH, इन सबको मैंने बोला कि सबका बिहेवियर एक जैसा था, सबकी एसिडिटी एक जैसी थी, सबका रिएक्ट करने का तरीका एक जैसा था, इसको मैंने एक क्लास ऑफ कंपाउंड बोला, उसका नाम दिया अल्कोहल्स। क्या नाम दिया? ऐसे ही बच्चों कुछ चीजें एल्डिहाइड्स हैं, कुछ चीजें केटोन्स हैं, कुछ चीजें कार्बोक्सिलिक हैं, है ना। कार्बोक्सिलिक कौन होते हैं? जिनमें पीछे सी डबल OH लग जाए, इस क्लास ऑफ कंपाउंड को कार्बोक्सिलिक बोलते हैं। तो जितनों के भी पीछे सी डबल OH लगा हुआ सबको कार्बोक्सिलिक कंपाउंड बोला गया, जिन सबके बीच में कुछ इस तरीके से सी डबल बॉन्ड ओ आ जाए उनको कीटोन्स बोला गया, जिन सबके पीछे CHO आ जाए उनको एल्डिहाइड्स बोला गया। और ये आप लोगों को याद आ रहा होगा 11th क्लास में इतना पढ़ा हुआ सर। ऐसी हैलोकिन्स है, हैलोरिन्स है, ये भी एक क्लास ऑफ कंपाउंड है। आपके अगर चैप्टर्स का सीक्वेंस समझे ना तो आपको समझ में आएगा, मैं लिख देता हूँ एक बार यहाँ पर, थोड़ा सा इंट्रोडक्टरी पार्ट थोड़ा अच्छे सुन लीजिएगा, उसके बाद ही शुरू करने में मजा आएगा। हैलोकिन्स और हैलोरिन्स, फिर अगले चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे अल्कोहल्स, फिनोल्स एंड ईथर्स, फिर अगला चैप्टर पढ़ेंगे एल्डिहाइड, कीटोन, एसिड एंड द लास्ट वन वी हैव टू स्टडी अमाइंस। सो गाइस कितनी क्लास ऑफ कंपाउंड पता है आपको? 1, 2,
तीन चार पांच छ सात आठ और नौ, और दसवीं तुमने पढ़ी दिया हाइड्रोकार्बन, मतलब एक पढ़ी दिया हाइड्रोकार्बन इलेवंथ क्लास के अंदर। सो नो डिफरेंट क्लास ऑफ कंपाउंड्स हमें पढ़नी है, वो पढ़ने के बाद हमारा पूरा ट्वेल्थ क्लास का क्या हो जाएगा, ऑर्गेनिक फिनिश हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे वन बाय वन चला जाएगा। तो पहली जो ब्रांच हमें, पहला जो हमें चैप्टर पढ़ना है वो कौन सा पढ़ना है, हैलोकेन्स एंड हैलो, क्या होते हैं हैलोकेन्स हैलोनेंस को बच्चा क्लास में बता सकते हैं, बच्चों सुनिए क्लास, एक और बेसिक बात इलेवेंथ क्लास की बता देता हूं, जितने भी कार्बन चेन्स होती हैं इनको आप लोग एक सिंबल से मतलब R से डिनोट करते हो, अल्काइल ग्रुप जिसे बोलते हो। सुन लीजिए क्या होता है अल्काइल ग्रुप, जैसे कि मान लीजिए मैंने बोला CH3 CH3, तो ये तो इथेन है, ये तो बोलो क्या है, इथेन। लेकिन अगर मैं लिखूं बोलो CH3 CH2, मतलब कि देखो ना एक सिंपल सी बात है, इस कार्बन चेन में अगर मुझे कुछ जोड़ना है, बड़ी जरूरी चीज बोलूंगा ढंग से सुनिएगा, इस कार्बन चेन में मुझे कोई और चीज लेके आनी है, कोई भी और चीज लेके आनी है, कुछ भी जोड़ना है, चाहे COOH जोड़ना है, चाहे मुझे CH जोड़ना है, चाहे मुझे क्लोरीन मतलब हैलोजन लेके आना है, तो मुझे ऑब्वियस सी बात है किसी एक हाइड्रोजन को तो हटाना पड़ेगा, क्योंकि कार्बन तो टेट्रावेलेंट है ना यार, ये तो मानते हो ना, कार्बन तो टेट्रावेलेंट है, चार ही बॉन्ड है, तो किसी एक को तो हटाना पड़ेगा, CH3 CH3 के पूरे प्रॉपर चार चार बॉन्ड है दोनों कार्बन के, तो मुझे किसी एक को तो हटाना पड़ेगा, हटा दिया मैंने, अब हटा के ही तो कुछ लगेगा, अगर लगा OH तो बन गया अल्कोहल, अगर लगा हैलोजन तो कुछ और बन जाएगा, हैलोल्केन बोलते थे उनको, एल्केन में हैलोजन लग गया, हैलोल्केन बन गया। तो ऐसे डिफरेंट डिफरेंट क्लास बनेंगी। तो बच्चों ये जो चीज होती है ना जिसमें से मतलब मैंने अल्केन में से एक हाइड्रोजन हटा के जो बचा, इनको बोलते हैं अल्काइल, क्या बोलते हैं इनको, अल्काइल, जिसे उसको बोलेंगे इथाइल। अब बात थोड़ी कम समझ में आई होगी तो चिंता नहीं करनी है, सुनना है पूरी बात को, कार्बन की किसी भी चेन को तुम लोगों ने बस R से डिनोट कर दिया, किससे बोलो, अभी बस ये मान के चलो कार्बन की चेन को किससे डिनोट कर दिया, R से। अगर इसके साथ OH लग गया तो अल्कोहल बन गया, इसके साथ में CHO लग गया तो एल्डिहाइड बन गया, इसके साथ में COOH लग गया कार्बोक्सिलिक बन गया, समझ रहे बात को, R denotes the carbon chain, R denotes the, it may be of the one carbon, it may be of the two carbon, it may be of the three carbon, it may be of seven carbons, ना कितने भी carbon की chain हो सकते, बस R indicates the carbon chain, R indicates the carbon chain, clear हुआ, विशेष नहीं है भाषण में, R indicate करता है carbon chain को। तो chapter का नाम आपका हैलोकेन्स है, और नाम से ही सब समझ में आ रहा है, हैलो मतलब क्या होता है बोलो, हैलो मतलब है हैलोजन्स, और अल्केन मतलब है अल्केन, हैलोजन प्लस अल्केन। अब सिंपल सा डेफिनेशन इसका बनता है, व्हेन वन और मोर हाइड्रोजन्स ऑफ द अल्केन इज रिप्लेस्ड बाय द हैलोजन्स, सिंपल, व्हेन वन और मोर हाइड्रोजन्स ऑफ द अल्केन, जस्ट सिंपल अल्केन इज अ मिथेन, सबसे सिंपल अल्केन बोलो कौन है, मिथेन, CH4 पहला कार्बन वाला ना, ये मिथेन सबसे सिंपल हैलोल्केन है। अगर बच्चों इसका कोई भी हाइड्रोजन हटके कोई हैलोजन एंट्री ले लेगा, कोई भी हाइड्रोजन हटके हैलोजन कैसे लेगा वो रिएक्शंस में सीखेंगे, बस समझना है कि पूरे अल्केन में किसी भी हाइड्रोजन की जगह पर बोलो कौन आ गया, हैलोजन आ गया, क्या आ गया बोलो, हैलोजन आ गया, तो हम इसको बोल देंगे बच्चों हैलोल्केन। जैसे ये है मिथेन, ये है क्लोरोमिथेन, क्या है बोलो, मतलब कि साउंड आपको आएगा कि ये तो है अल्केन और ये है हैलो अल्केन, मतलब कि हैलो अल्केन कुछ नहीं है सर, किसी भी कार्बन चेन में अगर हाइड्रोजन की रिप्लेसमेंट में हैलोजन आ जाए, हैलोजन आ जाए, हाइड्रोजन की रिप्लेसमेंट में कौन आ जाए, हैलोजन, तो हम उसका नाम कर देंगे हैलो अल्केन, क्या नाम कर देंगे। अब ये हैलोजन कौन होते हैं अगर ये भी नहीं बताए, देखो मेरी पहले टाइम में कोशिश रहेगी मैं बेसिक से बेसिक बात आपके साथ कर लूं, ठीक है, फर्स्ट टाइम में रहेगी, बार बार नहीं रहेगी, मैं बार बार आपको हैलोजन बताऊं। ग्रुप 17 के जो कंपाउंड है वो हैलोजन्स हैं, इनको डिनोट करते हैं बच्चों एक्स से, और ये हैं फ्लोरिन, क्लोरिन, ब्रोमिन, आयोडीन, एस्ट्राटीन भी है, उसके बाद तो खाली होता है, लेकिन आपको जो इस्तेमाल में आएंगे वो फ्लोरिन, फ्लोरिन, क्लोरिन, ब्रोमिन, आयोडीन, बस यही आएगा, एस्ट्राटीन नहीं आएगा, रेडियो एक्टिव कैटेगरी में चला जाता है, नहीं यूज होता, क्लास रेयर है, नहीं होता यूज, तो इनको बोलते हैं हैलोजन्स। सो दोबारा सुनिए, when one or more hydrogens, दो तीन हाइड्रोजन भी रिप्लेस हो सकते हैं, when one or more hydrogens of the alkane are replaced by, they are said to be the halogen, है ना, नहीं है बस उनमें, so आप बोल सकते हैं, लिख लीजिए, लिखना तो क्या है, बुकलेट में सब दिया हुआ है, when one or more hydrogens of alkane
इज रिप्लेस्ड बाय एलोजन द रिजल्टिंग कंपाउंड इज बच्चो फिर भाई मानते नहीं हो भाई बिल्कुल भी पक्के वाले ढीठ हो बिल्कुल एग्जाम्पल्स बोलो भाई एग्जाम्पल्स बोलो पहला एग्जाम्पल मान लीजिए मैंने बोल दिया सी एस थ्री सी एल कार्बन का कंपाउंड था हाइड्रोजन अटैक कोई एलोजन आ गया बोलो क्या बन गया हैलोजन ना अरे नाम छोड़ दो अभी नाम तो मैं करवा दूंगा अभी नेमिंग करवाऊंगा चिंता मत करो लेकिन मैं सिंपल सी बात आपसे कर रहा हूं सी एस थ्री सी एल एक हैलोजन है कि नहीं क्योंकि कार्बन की चेन में हैलोजन दिख जाए बस हैलोजन बोल दो खत्म कहानी कार्बन की चेन में हैलोजन दिख जाए तो क्या बोल दो हैलोजन ये है हैलोजन सी एच थ्री सी एच टू एफ ये भी है सी एच थ्री सी एच टू सी एच टू क्लोरिन ये भी है एटसेट्रा है ना तो ये क्लास ऑफ कंपाउंड को बोलो हम क्या करते हैं हैलोजन्स और इस पूरे चैप्टर में बच्चों हम इसे ही पढ़ने वाले तो हमारा चैप्टर का नाम है हैलोजन्स और हैलोरिन्स तो एक क्लास ऑफ कंपाउंड है हैलोजन जिसे हम पढ़ने वाले तो इस थ्रू आउट चैप्टर के अंदर हम जिन कंपाउंड्स को स्टडी करने वाले ना वो कंपाउंड्स आपके सामने है कार्बन की चेन विद हैलोजन कार्बन की चेन विद हैलोजन मजा आएगा मैं बता रहा हूँ आपको ऑर्गेनिक बहुत इंटरेस्टिंग है ट्वेल्थ की बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है इलेवंथ की भले ही कैसी भी लगी हो तुम लोगों को बट ट्वेल्थ की ऑर्गेनिक बहुत इंटरेस्टिंग मैं आपको रियलिटी बता रहा हूँ अच्छे से पढ़ा आपको फिजिकल केमिस्ट्री ज्यादा अच्छी लगेगी अब सुनो ये समझ में आ गया उसके बाद आ जाओ बच्चो हैलोरिन्स ए बस जल्दी जल्दी बेसिक पार्ट खत्म करते हैं यार असली चीजों पे आते हैं अब हैलोरिन्स हाँ बेसिक तो आज खत्म है इसका एक क्लास इसकी बेसिक में जाएगी पहले क्लास और कंपाउंड ढंग से समझ ले तो अब हेलो अरीन्स क्या होती हैं हेलो मतलब फिर से वही हेलोजन और अरीन मतलब यहां पर होते हैं अब तुम्हें पता नहीं याद है कि नहीं एरोमेटिक कंपाउंड भी पढ़ाए गए थे कौन से कंपाउंड एरोमेटिक होते हैं चलो बेंजीन वाले कौन बच्चा और अच्छे से बताएगा कौन से कंपाउंड एरोमेटिक होते हैं वो ठीक है वो भी ठीक है चलो और अच्छे से बताओ और कोई अच्छे से बता सकता है हाँ कुछ बोल रहे थे नहीं वो तो ठीक है लेकिन मैं आपके बात मान गया एरोमेटिक कंपाउंड में से ए व्हाई वी कॉल द कंपाउंड इज एरोमेटिक क्योंकि उनमें से अरोमा मतलब कि प्लीजेंट फ्रेग्रेंस आती है तो वो होती है लैब में आप बेंजीन को जाके स्मेल करेंगे बेंजीन की स्मेल अच्छी होगी फिनोल की अनिलीन की इन सब की स्मेल अच्छी होती है जितने बेंजीन वाले कंपाउंड होते ऑल आर एरोमेटिक बट मैं कह रहा हूँ कि कौन से कंपाउंड एरोमेटिक होते हैं ये पूछ ये ट्वेल्थ में नहीं आएगा लेकिन मैं जनरल बात पूछ रहा हूँ उनसे इस वजह से ताली बजाओ इस लड़के के लिए बहुत अच्छे इसने पढ़ा हुआ देखो ये करवाया गया आपको इलेवंथ में याद है मच बेटर है नहीं याद है काम चल जाएगा इसके बिना भी लेकिन बात कर रहे हैं सुन लीजिए ऐसे कोई भी कंपाउंड जिनके पास 4n प्लस 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और वो प्लेनर होते हैं क्या होते हैं वो प्लेनर अब आता है तो ठीक है नहीं आता तो तुम बस इतना याद करोगे कि एरोमेटिक कंपाउंड या अरीन बुलाते हैं बेंजीन जैसे कंपाउंड ओए अरीन बुलाते हैं बेंजीन जैसे कंपाउंड को बेंजीन अरीन से ही बना है इससे बोलो अरीन से ही बना है बेंजीन सुनिएगा सो जिन बच्चों को इतना नहीं पता उनको काम चलाना है किस बात से कि बेंजीन जैसे कंपाउंड जो होते हैं वो भी तो एक तरह के हाइड्रोकार्बन ही है अरे यार बेंजीन का फॉर्मूला क्या होता है बताओगे C6H6 अरे है तो ये भी हाइड्रोकार्बन ना तो जब बेंजीन जैसे कंपाउंड में कोई हाइड्रोजन की रिप्लेसमेंट होती है किससे हैलोजन से अब बेंजीन कैसे बनता है कोई बच्चा बताएगा सर बेंजीन बनती है ऐसे 6 कार्बन है और हर एक पोजीशन पे एक हाइड्रोजन होता है शायद तुम्हें पता हो इतना भी नहीं पता तो बच्चों बहुत मुश्किल है मेरे लिए तुम्हें ऑर्गेनिक अच्छी करवाना ना ये बहुत मुश्किल हो जाएगा अब अगर इतना भी नहीं पता तो यार ये बहुत बेसिक चीजें होती हैं बेंजीन जैसे स्ट्रक्चर पता होना चाहिए अब हैलोजन है तो ये रिप्लेसमेंट कर देगा इसकी कोई भी हाइड्रोजन रिप्लेस हो जाए तो बोलो क्या आ जाएगा बोलो अब बेंजीन के साथ में हैलोजन जुड़ गया तो ये बेंजीन थी ये से बेंजीन थी ये क्लोरो बेंजीन है ये क्लोरो बेंजीन है वही बात कि ये अरीन है और ये हैलोरीन है हैलोरीन कुछ नहीं है एक सिंपल सी बात है व्हेन वन और मोर हाइड्रोजन्स इज रिप्लेस्ड बाय व्हेन वन और मोर हाइड्रोजन्स ऑफ एरोमेटिक कंपाउंड्स इज रिप्लेस्ड बाय द हैलोजन द रिजल्टिंग कंपाउंड्स आर कॉल्ड हैलोरीन है ना हैलोजन जमा अरीन हैलोजन जमा अरीन मतलब कि जब कोई एक्स जो है हैलोजन किसी अरीन की हाइड्रोजन की रिप्लेसमेंट करके उससे जुड़ जाएगा तो रिजल्टिंग कंपाउंड बनेगा हैलोरीन
और जब कोई हेलोजन रिप्लेसमेंट कर देगा किसी अल्केन की, किसी अल्केन की, अल्केन को मैं डिनोट वैसे कैसे करूंगा, कुछ भी लिख दो यार, कोई भी लिख दो, कोई भी कार्बन इस तरीके से रिप्लेसमेंट कर देगा, तो बोलो क्या बन जाएगा, हेलोल्केन। तो अल्केन में हेलोजन आया हेलोल्केन, अरीन में हेलोजन आया हेलोरेन, दैट्स फाइन। इसके एग्जांपल बताओ फटाफट से, इसके एग्जांपल बताओ जल्दी से। इसके एग्जांपल है बेंजीन के ऊपर मैंने क्लोरीन लगा दिया, देखो आपको टॉलीन तो आपने बना दिया ये, बट आपको कहीं तो हेलोजन लगाना पड़ेगा, यू एड हेलोजन हियर नो प्रॉब्लम, अब कर दो, हेलोजन होना चाहिए बेंजीन के साथ, कोई फर्क नहीं पड़ता आपका, नहीं नहीं तो वो हेलोल्केन बन जाएगा, ठीक है। अभी अभी नहीं नहीं आप समझो, वो तो बनाना है, लेकिन अभी इसको मैं हेलोजन कहूंगा, मैं इसको कहूंगा देखो ए क्लास, कैसा भी कार्बन का कंपाउंड हो अगर हेलोजन ने एंट्री ले ली है तो वो अब प्रॉपर हाइड्रोकार्बन नहीं है, वो अब हेलो अल्केन या हेलो अरीन की कैटेगरी में चला गया। हेलोजन जब चला गया किसी भी हाइड्रोकार्बन के साथ अटैचमेंट में तो वो बन गया बोलो क्या, हेलो अल्केन या हेलो अरीन। अगर सिर्फ कार्बन चेन से जुड़ा है तो इट विल बी, सिर्फ कार्बन चेन जुड़ा इट विल बी हेलोल्केन, और बेंजीन के साथ एसिड हो तो बोलो क्या होगा, हेलोरीन होगा। तो बस बेंजीन जमा हेलोजन बोलो क्या होते हैं, हेलोरीन, और कार्बन चेन जमा हेलोजन बोलो क्या होते हैं, हेलोल्केन। बेसिक पार्ट पे ये वाला इंट्रोडक्शन समझ में आ गया भाई, कंपाउंड देख के तो पहचान हो जाती है, आगे बढ़ा जाए। हाँ नहीं देखो मैं आपको बता देता हूँ, ये भी है, ये भी है, ये भी है, ये इसी की कैटेगरी में आएगा, और इसकी मैं क्लास ऑफ कंपाउंड तुम्हें करा दूंगा, इसको बुलाएंगे बेंजाइलिक, बेंजाइलिक हैलाइड, ये भी आएगा, क्योंकि बेंजीन तो है ना, बेंजीन तो है ना, तो वो डायरेक्टली नहीं भी है तो भी आएगा, ठीक है, डोंट वरी आएगा वो, ठीक है। ओए क्लास बस चुप हो जाओ, नेप्थेलीन को भी बना सकते हैं नेप्थेलीन, लेकिन नेप्थेलीन इज नॉट अ हैलोजन गाइस, ओए दो बेंजीन जुड़ी हुई है वो तो हाइड्रोकार्बन है ना एक तरीके का, लेकिन हेलोजन आ जाएगा तो बोलो क्या बन जाएगा, हैलोरीन। अरे नहीं आ रहा समझ में, वो कहना चाह रहा है मतलब इस तरीके से ऐसे करके कहीं जोड़ दो तो भी तो बनेगा ना, तो भी तो बनेगा ना, अरे नहीं आ रही बात समझ में, चलो कोई नहीं, सुनो बात कुल मिला के इतनी है, चैप्टर स्टार्ट करना था और हम लोगों ने क्लास को पहचानना बहुत जरूरी था कि किस क्लास ऑफ कंपाउंड को इस पूरे चैप्टर के दौरान पढ़ेंगे, तो हैलोल्केन्स और हैलोरीन्स को पढ़ेंगे। हैलोल्केन्स वो कंपाउंड है जिनमें अल्केन में हैलोजन है, और हैलोरीन्स वो कंपाउंड है जिनमें एरोमेटिक कंपाउंड्स में हैलोजन है। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, अब पढ़ते हैं इससे आगे बच्चों, इससे आगे जब हम बढ़ेंगे तो अब मैं पढ़ाने वाला हूं तुम्हें बहुत इंपॉर्टेंट चीज, इसको बोलते हैं क्लासिफिकेशन। और भाई ये आपको लगेगा कि इतना इंपॉर्टेंट नहीं होता होगा, बट सीबीएसई ना आखिरी 4 से 5 साल से ना क्लासिफिकेशन से क्वेश्चन निकालने लगी है। क्लासिफिकेशन, क्लासिफिकेशन का मतलब कि क्लासिफाई करिए कंपाउंड को, अब कैसे कैसे क्लासिफाई किए गए वो समझते हैं। देखो पहला क्लासिफिकेशन है प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी हैलाइड्स। ओए रुक जाओ, देखो क्लासिफिकेशन है कई आधार पे किया गया है कि इस आधार पे क्लासिफाई कर दो, उस आधार पे क्लासिफाई कर दो, किसको क्लासिफाई कर रहे हैं। देखो क्लास तो बन गई है, अब इन क्लास ऑफ कंपाउंड के अंदर भी कुछ अल्ग तरह की कैटेगरीज बनाएगी, जितने भी हैलोल्केन है इनको भी क्लासिफाई किया कि ये ऐसे, ये ऐसे, ऐसे, जैसे उसने बिल्कुल सही बोला डॉक्टर जैसे ना, डॉक्टर का पूरा है टॉपर, चलो ठीक है। ओए क्लास मैं डॉक्टर सुनाई दिया, ओए बस भाई जैसे डॉक्टर्स एक क्लास ऑफ कंपाउंड है पूरी ना, मतलब क्लास ऑफ पर्सन है पूरी, क्लास ऑफ प्रोफेशनल्स हैं, और उन डॉक्टर के अंदर भी तो क्लासेस बनी हुई है ना कि भाई ये डेंटिस्ट है, ये ऑर्थो का डॉक्टर है, ये समझ में आ रहा है न्यूरो का डॉक्टर है, अब समझो क्लास। सो वैसे ही जो हैलोल्केन्स होते हैं ना, हैलोल्केन्स को क्लासीफाई किया गया प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी हैलाइड्स के तौर पर। अब ये क्या चीज है समझते हैं बच्चों, नहीं होगा ना जो बिल्कुल कुछ ना कुछ घुसर पुसर चलता रहेगा, कितना ही बोल लो सर हम तो बिल्कुल पक्के वाले ढीठ है बिल्कुल। अब सुनो प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी एक ऐसी चीज है जो आपको 11th क्लास में भी सिखाई गई थी, और सेम ही दोबारा सिखा रहा हूं मैं आप लोगों को, कुछ नहीं है यहां पर। अगर बच्चों ध्यान देना, हैलोजन जिस कार्बन से अटैच है, हैलोजन जिस कार्बन से अटैच है, अगर वो नेक्स्ट में बस अपने एक ही कार्बन से अटैच है, मतलब इंपॉर्टेंट कार्बन होता है हैलोजन जिस कार्बन से अटैच है, वो कार्बन अगर एक से ही अटैच है तो इसको बोलेंगे आप प्राइमरी हैलाइड। क्या बोलेंगे इसको 1 डिग्री बोल देंगे, प्राइमरी हैलाइड। इस्तेमाल क्या है भैया, इस चैप्टर में बहुत इस्तेमाल है,
बार बार डिस्कस करेंगे, प्राइमरी वाला ऐसा करेंगे, सेकेंडरी वाला बिहेव ऐसा करेंगे, थर्ड वाला ऐसा करेंगे, तो पहले क्लासिफिकेशन पढ़ना बहुत जरूरी है भाई। इधर देखो, सो वन डिग्री सेकेंड होते हैं बच्चों, टू डिग्री वाले जिनके अंदर क्या होता है कि हैलोजन जिस कार्बन से अटैच होता है वो दो से जुड़ा होता है, तो ये टू डिग्री है। और तीसरा वाला होता है कुछ याद आ रहा है, 11th क्लास में पढ़ा था ऐसा, वन डिग्री टू डिग्री थ्री डिग्री कार्बोकोटेंस है ना, सो ये वही चीज है। और एक बहुत सिंपल वाला भी आप बोल सकते हो कि आप कहो कि सर हैलोजन जिस कार्बन जुड़ा हुआ एक से भी नहीं जुड़ा हुआ, तो इसको आप दो या तो सिंपल हैलाइड्स बोलते हैं या फिर इन्हीं को भी वन डिग्री भी बोला जा सकता है, सिंपल और वन डिग्री दोनों वन डिग्री कहे जा सकते हैं या सिंपल कहेंगे इसको। सो आपका जो प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी हैलाइड्स का क्लासिफिकेशन है इट इज जस्ट ऑन द बेसिस ऑफ द कि हैलोजन जिस कार्बन से जुड़ा है वो कितने नेक्स्ट कार्बन से जुड़ा हुआ है, एक से दो से तीन से चार से, समझ में आ रही बात, चार से तो होगा ही नहीं बेसिकली क्योंकि एक से तो वो हैलोजन से जुड़ा हुआ है तो मैक्सिमम तीन से जुड़ सकता है, नहीं आए बात समझे, एक तो वो हैलोजन जुड़ा बाकी तीन से जुड़ सकता है, तो ये वाला क्लासिफिकेशन सबको समझ में आता है। अगला क्लासिफिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्लासिफिकेशन अब मैं कराने वाला हूँ, और जो मैं बोल रहा था सीबीएसई क्वेश्चन दे रही है वो यहाँ से दे रही है, ठीक है, तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब इसमें क्या क्या होता है, तीन तरह का इसमें क्लासिफिकेशन करा गया, चार तरह का सॉरी, एक होते हैं अलाइलिक हैलाइड्स, एक होता है विनाइलिक हैलाइड, बेंजाइलिक, ओए चुप हो जाओ, एक होते हैं विनाइलिक और एक होते हैं अराइलिक हैलाइड, कितने हो गए बोलो, चार। मैं बिल्कुल नहीं दिखा रहा हूं कि किस आधार पे किस पे, बस हमें पता होना चाहिए कि इन हैलाइड्स को, इन ये जो हैलाइड्स मैं आपके सामने रख रहा हूं ना कैसे पहचान में आएंगे, बस इतना पता होना चाहिए। मैं नहीं लिख रहा किस आधार पे क्लासिफाई कर रहे हैं, आधार इन्होंने बताया क्या बनाया क्लासिफिकेशन का वो भी बता देता हूँ, सुन लीजिएगा अच्छे से। चार क्लासेस है भाई, अलाइलिक, बेंजाइलिक, विनाइलिक और अराइलिक। एक सिंपल स्ट्रेटजी सुन लो, एक सिंपल स्ट्रेटजी, अरे ट्रिक बताऊंगा चिंता मत करो उनको याद करने की भी। अब ये दो है ना एक जैसे हैं और ये दो जो है वो एक जैसे हैं, कैसे सुन लीजिए। अगर आपका हैलोजन इंपॉर्टेंट है जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है, अगर वो कार्बन sp3 है, क्या बोलो, सुन लो मैंने क्या बोला, अगर मेरा हैलोजन जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है वो sp3 कार्बन है। अब किसी मुझे sp3 नहीं पता सर, देखिए sp3 में चार ऑर्बिटल इस्तेमाल हो रहे हैं और चार ऑर्बिटल का मतलब सिंपल सा ये हो गया कि चारों बॉन्ड सिंगल होंगे। चारों बॉन्ड क्या होंगे, क्योंकि कोई भी चार ऑर्बिटल तभी यूज कर सकता है बेसिकली जब उसके चारों बॉन्ड क्या होंगे, सिंगल। तो ये जो जिसके चारों बॉन्ड सिंगल होते हैं ना, ये वाले कार्बन कौन से होते हैं, sp3। चिंता मत करिए मैं बताऊंगा, मैंने कहा 11th का जो जो यूज करना है एक बार तो बताऊंगा। अगर बात करते हैं sp2 वाले की, तो sp2 में तीन ही ऑर्बिटल नजर आ रहे हैं, तो तीन कैसे बनेंगे, कहीं ना कहीं एक डबल बॉन्ड होगा, बहुत अच्छे, कहीं ना कहीं एक डबल बॉन्ड होगा तभी तीन वाले कहानी बनेगी। तो ये बेसिकली कौन है बोलो, sp2 है। और जब मैं बात करूंगा sp की, तो या तो दो डबल बॉन्ड होंगे, दो ही बॉन्ड बनेंगे ना, या फिर एक ट्रिपल और एक सिंगल, एक ट्रिपल और एक, तो ये दोनों ही कार्बन बोलो किस तरह के हैं, बोलो sp है, तभी दो ऑर्बिटल नजर आ रहे हैं आप लोगों को। समझ नहीं आ रहा अर्जुन, क्लियर है, तो मेरी पूरी बात सुनने की कोशिश करना। अगर हैलोजन जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है वो sp3 कार्बन है, कैसा कार्बन बोलो, sp3। कैसे आइडेंटिफाई करोगे sp3 है, उसके सारे बॉन्ड सिंगल होंगे, सारे बॉन्ड क्या होंगे, सिंगल। और उस sp3 कार्बन के बाद, उस sp3 कार्बन के जस्ट बाद कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, कार्बन कार्बन, दीज आर सेट टू बी द अलाइलिक हैलाइड्स, इनको बोलो क्या बोलेंगे। चिंता मत करिए, बिल्कुल आसान तरीका बताऊंगा आप लोगों को याद करने का, अलाइलिक, सुन लो दोबारा से। अगर हैलोजन जिस कार्बन से जुड़ा हुआ sp3 है, कैसे बोलो, कैसे चेक करोगे, हैलोजन जिस कार्बन जुड़ा हुआ उसके सारे बॉन्ड सिंगल है, सारे बॉन्ड बोलो क्या है, सिंगल है, और उसके जस्ट बाद आपका कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड लाई कर रहा है, दिस इज सेट टू बी द अलाइलिक हैलाइड, इसको बोलो क्या बोलेंगे, फाइन। दूसरी चीज सुनो, अगर बच्चों हैलोजन जिस कार्बन से जुड़ा हुआ sp3 है, वो sp3 है, और उसके जस्ट जस्ट एक कार्बन के बाद, मतलब उसी कार्बन के बाद बेंजीन लाई कर रही है, कौन लाई कर रही है बोलो, बेंजीन लाई कर रही है, सो ये हो जाएगा बेंजाइलिक हैलाइड, क्या हो जाएगा बोलो। तो ये दोनों एक ही परिवार के क्यों हुए, क्योंकि इनके अंदर एक चीज सिमिलर होती है कि हैलोजन जिस कार्बन जुड़ा होता है वो sp3 होता है, क्या होता है बोलो, आता है भाई एग्जाम में क्वेश्चन, फॉर श्योर आता है, मैं आपको प्रीवियस में दिखा दूंगा, उसमें क्वेश्चन इसके तो बहुत बार पूछे गए, ठीक है, सुबह ढंग से सुना, क्योंकि अगला क्वेश्चन मैं पूछने वाला हूँ आप लोगों से,
हैलोजन जिस कार्बन से जुड़ा अगर वो sp3 है तो बस आप ये चेक करेंगे उसके बाद कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड डायरेक्टली या बेंजीन है। अगर बेंजीन है तो बोलेंगे बेंजाइलिक बन गया, और अगर कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है तो बोलेंगे अलाइलिक बन गया। विशेष को समझ में नहीं आ रहा, दोबारा सुन भाई, फिर तुम्हें तो पीटूंगा भाई किससे, तुम्हें तो उस दिन ग्राउंड में पीटता, अब लग रहा है क्लास में पीटना पड़ेगा, उस दिन का गुस्सा भी निकाल दूंगा। सुनो, हैलोजन्स जिस कार्बन से जुड़े हैं वो कार्बन sp3 है, वो कार्बन कौन से बोलो, sp3 मतलब क्या, सारे बॉन्ड सिंगल है, सारे बॉन्ड। उसके बाद अगर कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, कार्बन कार्बन अलाइलिक है, और उस sp3 के बाद बेंजीन है तो बोलो क्या है, बेंजाइलिक है, बस इतना सा पहचान है। अब आप कहेंगे सर विनाइलिक और अराइलिक में क्या होगा, विनाइलिक और अराइलिक में, अब विनाइलिक अराइलिक में क्या होने वाला है, अगर बच्चों हैलोजन जिस कार्बन से जुड़ा, इंपॉर्टेंट है भाई, वही sp2 है, वही मतलब सारे बॉन्ड सिंगल, sp2 होने के लिए एक डबल जरूर होगा, और ये खुद एक कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड का हिस्सा है, ऐसे मतलब कि इसके बाद नहीं है कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, इसी पर है कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, मतलब हैलोजन जिस कार्बन से जुड़ा वो sp2 है, sp2 मतलब चार बॉन्ड सिंगल नहीं है, एक डबल जरूर आ गया, और वो खुद ही कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड का पार्ट है, तो दिस इज सेट टू बी द विनाइलिक हैलाइड। इसको बोलो क्या बोलेंगे, बस एग्जामिनर आपसे यही आइडेंटिफाई करवाना चाह रहा है, अलाइलिक है, विनाइलिक है, बेंजाइलिक है, व्हाटएवर क्या है भाई, और इस वाली चीज का कोई फायदा नहीं, पूरे चैप्टर में कहीं कुछ काम नहीं आता, बस क्लासिफिकेशन समझ में आना चाहिए बस, और यही है बस जो क्लासिफिकेशन से क्वेश्चन आएगा, या तो 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री पूछेगा, या इन चार कंपाउंड से पूछेगा, इसके अलावा कोई क्लासिफिकेशन याद नहीं करना, फिर चैप्टर स्टार्ट हो जाएगा हमारा, क्लियर। अगली चीज सुनो, हाँ भाई इधर अर्जुन, अब हैलोजन जुड़ा हुआ है जिस कार्बन से, वो बच्चों sp2 है, क्या है बोलो, और उसके जस्ट बाद बेंजीन है, मतलब उसी पे ही बेंजीन है, ओहो सॉरी गलत हो गया, तो गलत हो गया, हैलोजन जिस कार्बन से जुड़ा है हैलोजन जिस कार्बन से जुड़ा है, अच्छा एक बात मुझे सब बच्चे बताने की कोशिश करें भाई, हैलोजन इसका, अरे तुम्हें बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर बताया ना, मैं बेंजीन बना रही, कार्बन है सारे, ये सब कार्बन है डॉट्स वाले जो है, तो ये वाला कार्बन किस तरह का हाइब्रिडाइज है, क्या sp3 है, sp2 है, क्यों है sp2 खुशी, एक बॉन्ड और डबल बॉन्ड, तो सारे बॉन्ड सिंगल, तो आपको बेंजीन में पता होना चाहिए कि जो एक साइड पे यहाँ पर है ना, एक सिंगल बॉन्ड, एक सिंगल बॉन्ड और एक डबल बॉन्ड है, तो तीन ही तो पेयर दिख रहे हैं, कितने पेयर दिख रहे हैं बोलो, तीन, तो मैं बोलूंगा ये sp2 है, क्या बोलो, और इसके बाद बेंजीन नहीं है, खुद बेंजीन है, खुद बोलो क्या है, ये बोलो बेंजीन का हिस्सा है, जैसे कि इसके बाद डबल बॉन्ड नहीं है, खुद ही डबल बॉन्ड वाला कार्बन है, जैसे इसमें बाद में मिलता है जो चीज, इसमें उसी पे ही मिलता है वो चीज, समझे नहीं, इसको बुलाया गया अराइलिक, क्या बुलाया गया बोलो, अब सुनिए मेरी पूरी बात को ध्यान से, आपको लगेगा कि बहुत मुश्किल क्लासिफिकेशन है, लेकिन मैं तुम सब बच्चों को एक छोटी सी बात बताता हूं, आप लोगों को चार बातें बोली मैंने, कौन कौन सी जरा बताना, एक अलाइलिक, एक बेंजाइलिक, एक विनाइलिक और एक अराइलिक। बच्चों सबसे पहला टास्क आपका यह है कि आप हैलोजन के साथ जो कार्बन है ना वो देखिए कैसा हाइब्रिडाइज्ड है, कैसा, दोबारा सुनो मैंने क्या बोला, आपको सबसे पहला काम करना है कि हैलोजन के साथ जो डायरेक्टली अटैच कार्बन है वो sp3 है या sp2 है, अगर वो sp3 है तो अब इन दोनों को भूल जाओ, इन दोनों में से कुछ नहीं होने वाला, आंसर इनमें से आने वाला है, हो गया 50%, तो नहीं आई बात समझ में, क्वेश्चन 50% तो यही खत्म हो जाएगा जब तुम ये सोच लोगे कि हैलोजन के साथ जो अटैच कार्बन है वो sp3 है या sp2 है, अगर वो sp3 है तो आंसर इन दोनों में से होने वाला है, और वो अगर sp3 है और उसके जस्ट बाद कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है तो बोलो क्या बोलोगे, अलाइलिक, अगर वो sp3 है और उसके जस्ट बाद बेंजीन है तो क्या बोलोगे, बेंजाइलिक, खत्म। अगर मेरा हैलोजन जिस कार्बन से जुड़ा है वो डायरेक्टली sp2 है, क्या बोलो, sp2, तो इन दोनों को भूल जाओ, अब या तो आंसर विनाइलिक है या अराइलिक है, और अगर वो sp2 है और वो खुद ही कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है तो वो हो गया विनाइलिक, और वो खुद ही बेंजीन है तो बेसिकली क्या बन गया, बेंजाइल, बस खत्म। अब मैं तुम्हें बोलूं आइडेंटिफाई करने को, करोगे आइडेंटिफिकेशन, कर लेकिन पेज तो वाला सामने रखो सर, भूल गए ना, पन्ना पलटते ही सब गायब, अरे मैं कुछ और सोच रहा हूँ,
सब बच्चे कॉपी निकाल लो भाई, क्यों अरे वो कर लो, इतना कोई दिक्कत नहीं है। कर लो भाई,
Gracias.
अब आप लोगों को मैच करना है कि आपके आंसर करेक्ट हैं कि नहीं, ठीक है, मैच करना है। देखिए पहला, चलिए बताइए कौन बताएगा पहला क्या है। देखिए एलोजन, ए क्लास प्लीज, देखो टाइम मिल गया आपको 5-7 मिनट का, अब चुप रहेंगे, कुछ नहीं बताना आप लोगों को, मैं बताऊंगा बस, चुप रहो। तुमसे पूछूंगा क्या है तो बोलना बस एक बार, बिना लेके उसके बाद अपनी बात शुरू कर दोगे। ध्यान सुनो, हेलोजन जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है वो पहली बात sp3 है ही नहीं, वो sp2 है, क्योंकि उसके सारे बॉन्ड सिंगल नहीं है। अर्जुन सही है, sp2 है। अगर sp2 है तो या तो होने वाला है विनाइलिक या अराइलिक, फिर मुझे दिखता है कि वही कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, बेंजीन जैसा कोई भी सीन नहीं है, तो बोलो ये कौन हो गया। अगर आपका विनाइलिक है तो आपका ठीक है, क्लियर है। फिर आते हैं सेकंड पे, हेलोजन जिस कार्बन से जुड़ा है वो आपका sp2 है, वही कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, अगेन विनाइलिक, अगेन विनाइलिक। हेलोजन जिस कार्बन से जुड़ा है वो sp3 है, sp3 मतलब सिंगल बॉन्ड है सारे, और फिर बेंजीन आ गई तो इट विल बी बेंजाइलिक, इट विल बी, समझ नहीं आया, क्लियर है, डाउट है कुछ, सबको क्लियर हो गया। एलोजन जिस कार्बन से जुड़ा है वो sp2 है, sp2 है और वो खुद बेंजीन है तो अराइलिक। अगर किसी को डाउट आए तो अभी रोक देना भाई, क्योंकि एग्जाम में ये क्वेश्चन आएगा। हेलोजन जिस कार्बन से जुड़ा वो sp2 है और वो खुद कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, विनाइलिक। हेलोजन जिस कार्बन जुड़ा, विनाइलिक। अब आप लोग कंफ्यूज इस बात में मत हो ना, आगे चल के बेंजीन है, वो बहुत आगे ना, यहां तो डायरेक्टली पता लग गया ना, हेलोजन जिस कार्बन से वो sp2 और वो खुद कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड का पार्ट है, दैट इज विनाइलिक। क्लियर हुआ गीतांजलि? ए हेलोजन जिस कार्बन से वो sp3 और उसके बाद कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, अलाइलिक। पल्ले पड़ रहा है कि नहीं पड़ रहा? हेलोजन जिस कार्बन से वो sp3, ये हाइड्रोजन वाला तो हो गया, हेलोजन जिस कार्बन से वो sp3 और उसके जस्ट बाद बेंजीन है, सो बोलो कौन आएगा, बेंजाइलिक। अबे समझ में भी आ रहा है कि नहीं आ रहा? अब ऊपर बताओ, हेलोजन जिस कार्बन से, हेलोजन जिस कार्बन से वो sp2, इंपॉर्टेंट है sp2, और वो खुद कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड का पार्ट है, कुछ नहीं समझ पा रहे हो, नहीं आ रहा ना, ये बेंजीन नहीं है, ध्यान रखना ये बेंजीन नहीं है, साइक्लोहेक्सेन टाइप का कुछ है ये। आशुतोष, तो हेलोजन जिस कार्बन से वो sp2 और वो खुद कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड का पार्ट है तो वो विनाइलिक हो गया। चलो ये बताओ, हेलोजन जिस कार्बन से वो sp3 और उसके जस्ट कार्बन के बाद ये वाला और ये वाला कार्बन 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 डबल बॉन्ड है, कार्बन कार्बन, ऐसा किस केस में होता है, अलाइलिक। दिस इज नॉट बेंजाइलिक गाइस, ये बेंजाइलिक मत मान लेना, ये अलाइलिक है। अब आप लोग मैच करो और ये बताओ कि ये करेक्ट है कि नहीं, सही है। तो आपका यहां से क्वेश्चन आएगा तो डेफिनेटली एक मार्क्स बन जाएगा, बिकॉज ये एक मार्क्स का क्वेश्चन आता है, आइडेंटिफाई, अरे एक ही क्वेश्चन आएगा, यूं बोलेगा आइडेंटिफाई दिस कंपाउंड एज अलाइलिक बेंजाइलिक विनाइलिक अलाइलिक, कौन सा है भाई, तो आपको बताना पड़ेगा, क्लियर है। दूसरी चीज, ए आपको इन सबको बताना है कि कौन सा 1 डिग्री, कौन सा 2 डिग्री, कौन सा 3 डिग्री, बताओ। पहला वाला वैसी वर्बली बोल दो, पहला वाला, अब 2 डिग्री कहां से हो गया ये, हेलोजन जिस कार्बन से वो 1 से 1 डिग्री है, 1 डिग्री बोलो, हेलोजन जिस कार्बन से वो 1 से, ये बहुत जरूरी चीज है, 1 डिग्री 2 डिग्री, इस चैप्टर में कहीं तुम मजाक समझ रहे हो, तुम्हें ये चैप्टर जब पढ़ाऊंगा ना आगे तुम्हें पता लगेगा 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री पे सब कुछ है, पहचानना सीख लो इसको। हेलोजन जिस कार्बन से वो बस 1 कार्बन से है, नहीं समझे, ये रहा वो 1 कार्बन 1 डिग्री, हेलोजन जिस कार्बन से वो 1 से, हेलोजन जिस कार्बन से वो 1 से, हेलोजन जिस कार्बन से वो 3 से, 1 2 3 3 डिग्री, हेलोजन जिस कार्बन से 1 से 1 डिग्री, हेलोजन जिस कार्बन से वो 2 से 2 डिग्री, हेलोजन जिस कार्बन से वो 1 से 1 डिग्री, हेलोजन जिस कार्बन से वो 1 से 1 डिग्री, हेलोजन जिस कार्बन से 1 से 1 डिग्री, समझे? सो गाइज मेरी पूरी बात सुनिए भाई, ओए क्लास, आज की क्लास में हम लोगों ने ना ज्यादा कुछ नहीं करा है, सुन लीजिए बस, कितना करा है वो सुन लो, चैप्टर का इंट्रोडक्टरी पार्ट खत्म करा है और ऑर्गेनिक को स्टार्ट करा है, अगली क्लास से बहुत मजेदार चीजें होने वाली है बादल, लेकिन हमने करा क्या है कि चैप्टर का नाम है हेलो एल्केन्स एंड हेलो रिंग्स,
एंड व्हाट वी हैव डन सो फार कि हमें क्लास समझ में आ चुकी है कि हैलोजन कौन से, बोलो, कार्बन की चेन हैलोजन लगा हुआ है, हैलोजन, बेंजीन हैलोजन लगा हुआ है साथ में, हैलोरिन, बस खत्म। नहीं समझे, कार्बन की चेन के साथ हैलोजन लगा हुआ है हैलोजन और बेंजीन के साथ हैलोजन लगा है हैलोरिन। फिर मैंने इनका क्लासिफिकेशन आपको करवाया 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री में, जो कि इजीली समझ में आता है। और फिर तुम लोगों ने करा कि ये चार तरह के कंपाउंड्स मिलते हैं बेसिकली, मैं इनको क्लासिफाई करने को आ जाए तो ऐसे जो अलाइलिक है, बेंजाइलिक है, विनाइलिक है, बोलो क्या है, अराइलिक है। इनके अलावा कुछ भी सिंपल है भाई, सिंपल हैलोजन है, कोई दिक्कत नहीं है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा ये वाला पार्ट, या नहीं आ रहा? फिर तुम लोगों ने इनको क्लासिफाई किया और ये क्लासिफिकेशन के क्वेश्चन जो एग्जाम में आते हैं वो क्लियर हो गए कि नहीं हो गए? नेक्स्ट क्लास के बाद से, मतलब नेक्स्ट क्लास में हम कुछ और चीजें करेंगे, प्रॉपर्टीज वगैरह, उसके बाद रिएक्शन स्टार्ट हो जाएंगे चैप्टर की। क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा? लेकिन मैं आपको एक बात बता रहा हूँ, ऑर्गेनिक हमने स्टार्ट करी, इन एनी केस अगर आप बीच की कोई क्लास छुट्टी करते हैं तो देखो, फिजिकल केमिस्ट्री की तरह टॉपिक नहीं है कि आप एक क्लास छोड़ के बाद में अगली क्लास में फिर भी समझ में आ जाता है, क्योंकि नया टॉपिक होता है। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट बिल्कुल अलग है, डिप्रेशन अलग हो जाता है, ऑस्मोटिक प्रेशर अलग हो जाता है, समझ में आ जाता है। बट ये ऑर्गेनिक है भाई, अगर शुरू हुआ है ना तो हर एक क्लास का पता होना चाहिए। मैं अगली क्लास में मुझे एक बात कहो, जिस बच्चे को बोलूंगा कि ये अलाइलिक है, देखो अलाइलिक बच्चों ऐसा करते हैं, क्या उसको समझ में आएगा अलाइलिक क्या, जो चार्ज नहीं आया? इसलिए अगर कोई क्लास छुट्टी होती है तो घर पर वीडियो से कवर कर लेना भाई, समझ में आ रही बात? लेकिन ऑर्गेनिक में बीच में मिसिंग नहीं होना चाहिए कहीं भी, कोई भी क्लास में दिक्कत करेगा भाई। ठीक है, फिनिश कर रहे हैं आज की क्लास को, इतना पढ़ लेना बच्चों।